हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सो गाइस, फाइनली थॉर लव एंड थंडर आज रिलीज हो गई है और हम भी मूवी देख के घर आ चुके हैं। और आज हम थॉर 4 मूवी के बारे में ही अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्पॉइलर हो सकते हैं, बाय द वे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज YouTube पे इतने लीक्स फैल चुके हैं कि आप स्पॉइलर से बच नहीं सकते हो। ना चाहते हुए भी आप उस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखोगे जो आप नहीं देखना चाहते हो। सो गाइस, बिना कोई फॉर्मेलिटी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, थॉर लव एंड थंडर जो कि मार्वल की मच अवेटेड मूवी थी, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो आज उस मूवी को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि इंतजार का फल जो है मुझे मीठा मिला है। बिकॉज मूवी बहुत ही धांसू है, चाहे वो थॉर और जिनके रिलेशनशिप दिखाना हो, मूवी के एक्शन सीक्वेंस दिखाना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर्स के ऊपर हो, किसी भी कैरेक्टर्स को 2 घंटे की इस मूवी में सभी कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर टाइम दिया गया है और सबकी लाइफ एक अच्छी तरह से दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और गौर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। देखो गाइस, मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक जो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है, उसका बैड साइड कि इसमें कॉमेडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है। मूवी में जहाँ इमोशनल सीन भी आता है वो भी उतना आपको फील नहीं होता है, बिकॉज कि इससे कॉमेडी की वजह से इतना ज़्यादा लाइट कर दिया मूवी को कि इसका इमोशनल सीन भी आता है तो आप उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हो, आप ध्यान ही नहीं दोगे उतने इमोशनल सीन। और बात करें मूवी के प्लॉट की, तो मूवी का प्लॉट जो है पूरे तरीके से तो कॉमिक के एक्यूरेट नहीं है, कुछ खुद का भी इनका इम्प्रोवाइजेशन है। जैसे कि गौर कॉमिक्स में गॉडबम क्रिएट करता है सारे गॉड्स को मारने के लिए, बट इस मूवी में वो नेक्रोसॉर्ड की पावर्स मिलने के बाद गॉड्स को तो मारता है बट वो अपनी बेटी को गॉड इंटरनिटी से वापस मांगना चाहता है जो मर चुकी होती है। गॉड ऑफ इंटरनिटी को जो लोग नहीं जानते होंगे उसको उनको बता दूँ कि इंटरनिटी बहुत ही पावरफुल गॉड है और जो उनके पास सबसे पहले पहुँचता है वो उसकी सारी विश पूरी करती है। इसलिए गौर सारे गॉड्स को मारता है और फिर उसे स्टॉर्म ब्रेकर की भी ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से वो इंटरनिटी के पास बायफ्रोज खोल के जा सके। तो गाइस, सारे स्टोरी तो मूवी में नहीं बता पाएंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो बस इतना जान लो कि गौर को CGI से कॉमिक एक्यूरेट ना करके मार्वल ने बहुत ही अच्छा किया है, बिकॉज जिस तरीके की एक्टिंग क्रिश्चियन बेल ने इस मूवी में की है वो अगर CGI में होती है तो हम कभी भी देख नहीं पाते, उसको कभी भी फील ही नहीं कर पाते। उनका जो जब वो स्क्रीन पे आते हैं तब आप देख के उनको बिल्कुल भी मेसमराइज हो जाओगे कि बंदा बिना CGI के इतना खतरनाक लग रहा है और इतना खतरनाक एक्टिंग कर रहा है कि आप भूल जाओगे कि ये क्रिश्चियन बेल है या फिर एक्चुअल गॉड द गॉड बचर है। ओवरऑल गाइस, सबका कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया है, वो भी देखने लायक है, आप अपने पूरे फैमिली के साथ जाके देख सकते हो। मूवी के एक्शन सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छे हैं बट उतने वाव मोमेंट वाले नहीं है, ऐसे लगे कि वाव भाई ये क्या हो रहा है। बस ऐसे एक ही दो मोमेंट देखने को मिलेंगे, एक स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा जहाँ थॉर गार्डियन द गैलेक्सी के साथ लड़ रहा होता है और लास्ट में एक जेन फोस्टर का सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत वाव मोमेंट वाला होता है। बाकी थॉर और जेन के बीच इमोशनल मोमेंट भी काफ़ी देखने को मिलेंगे और गौर भी जब स्क्रीन पर आएगा आपको एक अलग ही फील देगा, वो भी अपनी स्टोरी जब सुनाएगा तो आप भी उसकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे, उसके आंखों में वो दर्द देख पाओगे। बात करें स्टारकास्ट की तो क्रिस हेम्सवर्थ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जेन ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने किरदार को निभाया है और जितने भी कैरेक्टर हैं वेल कैरीड और टाइका वाइटिटी जो कॉर का रोल प्ले करते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से इस रोल को निभाए हैं, बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने। गाइस, आई होप कि ओवरऑल मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी है, बट हम यही कहेंगे कि आप मूवी को एक बार जरूर देखो सिनेमा हॉल में, बिकॉज मज़ा बहुत ज़्यादा आया मुझे पर्सनली। कॉमेडी ने थोड़ा लाइट कर दिया है बट फिर भी मूवी काफ़ी अच्छी है। कॉमिक के हिसाब से अगर मूवी बनी होती पूरे तरीके से एक्यूरेट बनती तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती और शायद मूवी आर रेटेड भी हो जाती, बिकॉज कॉमिक्स का गौर मूवी के गौर से बहुत ज़्यादा ब्रूचुअल है और उसकी नेक्रोसॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है कॉमिक्स में मूवी के बजाय। तो कोई नहीं गाइस, मूवी ओवरऑल बहुत ही जॉयफुल है, मज़ा आएगा, आप ज़रूर देखना। सो गाइस, अब इस स्टोरी को साइड करते हैं और बात करते हैं इस मूवी के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, एक जो मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। इस पर तो बहुत ज़्यादा बात कर भी चुके हैं पहले जो कि लीक्स में थे, बट फिर भी आपको एक डिटेल में बता देते हैं। तो गाइस, एक जगह में दिखाया जाता है कि थॉर जीव से मदद मांगने जाता है ताकि वो उसके साथ मिल के गॉड से लड़ सके। वो जी उसको बहुत अच्छा भी समझता है और बहुत अच्छा भी समझता है, उसका फैन एक तरह से होता है और जी उसको ये समझाता है कि गॉड सारे देवताओं को मार रहा है, पर जी उस उल्टा उसी के साथ बकचोदी करने लगता है। फिर जी उस अपने थंडर बोल्ट से कौर को मार देता है, पर कौर वहाँ मरता नहीं है, उसे एक सर बचा होता है, बिकॉज कौर के जो प्रजाति वो मर नहीं सकते हैं, वो उनके बॉडी में एक चीज़ हमेशा जिंदा रहती है और वो उनका सर। लेकिन थॉर को ऐसा लगता है कि कौर मर गए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद जीव थॉर की तरफ भी हमला करता है अपने थंडर बोल्ट से और थॉर उसी थंडर बोल्ट से उसी के सीने से आर पार कर देता है। इसके बाद जीव जमीन पर गिर जाता है और लोगों को यही लगता है कि जीव मर चुका है, बट इस मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीव कह रहा होता है कि एक टाइम था जब लोग हम पे डिपेंडेंट थे, हमारी इज्जत करते थे, हमसे डरते थे, पर इन सुपर हीरोज के आने के बाद वो हम देवताओं को भूल चुके हैं। और जीव काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा होता है
और फिर वो अपने बेटे हरक्युलिस को वहीं बुलाता है और थॉर से बदला लेने को कहता है। इसमें हरक्युलिस कहता है कि यस फादर। तो यहाँ पे हमें हरक्युलिस का फुल लुक देखने को मिलता है। ये लुक काफ़ी अच्छा है, फुल कॉमिक एक्यूरेट बनाया गया है और इसे और कॉमिक एक्यूरेट बनाया गया है और इसका रोल प्ले कर रहे हैं ब्रेट गोल्डस्टीन, जो कि इस रोल में बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली थॉर 5 में हरक्युलिस ही थॉर का विलन होगा। सो अब बात करते हैं दूसरे पोस्टर सीन के बारे में। तो गाइस, इस सीन में हमें जेन फोस्टर देखने को मिलती है, जो कि वल्हाला में जा चुकी है। वल्हाला में सारे गॉड्स किसी न किसी वार में शहीद होने के बाद जाते हैं। तो आप लोग सोचोगे कि जेन तो आम इंसान थी, फिर वो कैसे वल्हाला में जा सकती है। गाइस, जेन फोस्टर जब म्यूनिर को समोन करती है तो म्यूनिर उसे थॉर की पावर देता है और उसे गॉड भी बनाता है। और गौर से लड़ते वक्त वो जानती थी कि उसका कैंसर अब लास्ट स्टेज पे है और अब थॉर बनने के बाद उसकी मौत हो जाएगी। बट फिर भी वो सबको बचाने के लिए एक नेक इरादे से थॉर बनती है, बिना अपनी जान की परवाह किए। और नेक्रो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर देती है, ये जानते हुए कि इस पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद वो बचेगी नहीं। तभी वो अपने पूरे पावर्स को इस्तेमाल करती है और वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद थॉर की बाहों में ही उसकी वहाँ मौत हो जाती है। इसी अल्टीमेट सेक्रीफाइस की वजह से वो मोस्ट प्रॉब्ली वल्हाला में जा पाती है, जहाँ उसे हेमडाल भी देखने को मिलता है, जो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। तो यही है गाइस मूवी की ओवरऑल प्लॉट और पोस्ट क्रेडिट सीन, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे और कन्फ्यूजन में नहीं होंगे। और थॉर फैंस के लिए एक और खुशखबरी है कि थॉर वापस आएगा बहुत जल्द। थॉर 5 हमें जल्दी देखने को मिलने वाली है। गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।